देख रहे हैं पल पल। प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकों के नाम पर जारी है बड़ी लूट। देश की अर्थव्यवस्था को हवाई घोषणाओं से गति देना असंभव। पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना काल में अभिभावकों को राहत देने के लिए अनेक एडवाइजरी जारी की गई, मगर प्राइवेट स्कूलों ने इन एडवाइजरियों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी तरह की मनमानी जारी रखी हुई है। देश में शिक्षा के नाम पर एक बड़ा व्यापार भी चल रहा है। हालांकि शिक्षा को एक चैरिटेबल ओढ़ना ओढ़ाते हुए ऐसा दिखाया जाता है कि शिक्षा एक दुकान नहीं बल्कि एक मंदिर है। देश में कोई भी प्राइवेट संस्थान शिक्षा की दुकान नहीं खोल सकता। कोई भी विद्यालय खोलने के लिए एक चैरिटेबल संस्था अथवा ट्रस्ट का गठन किया जाता है। देश में कुछ संस्थान अभी भी चैरिटेबल संस्थानों के नाम पर कार्य कर रहे हैं, मगर अधिकांश लोगों ने सोसाइटी एक्ट के अपने पारिवारिक लोगों के सदस्य बना करके शिक्षा के नाम पर एक लूट जारी रखे हुए हैं। जब पलपल द्वारा कोरोना काल में सरकार की एडवाइजरी को ध्यान से देखा गया व विभिन्न विद्यालयों की गतिविधियों को देखा गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सरकार के निर्देशों के बावजूद विद्यालय कुछ स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अपना धंधा चलाए हुए हैं। हरियाणा सरकार हर वर्ष पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को RTE के अंतर्गत पूर्ण रूप से शिक्षा निःशुल्क और किताबें निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, और ये सारा काम सर्व शिक्षा अभियान से निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने के लिए चलाया जाता है। हालांकि सरकारी विद्यालयों ने अनेक बार ये किताबें शिक्षा तंत्र और शिक्षा स्तर के मध्य में अथवा स्तर समाप्त होने के बाद पहुंचाई है। उधर प्राइवेट विद्यालय स्तर आरंभ होने से पहले ही हर वर्ष क्लास की किताबें बदलकर मोटी चांदी कूटते हैं। एक अनुमान के अनुसार अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में पहली से पाँचवीं तक की 4 से 5 हज़ार रुपये की तथा छठी से आठवीं तक की 5 हज़ार से 6 हज़ार तथा 9वीं से 12वीं तक की 8 हज़ार रुपये से भी आगे तक हर बार किताबें बेची जाती हैं। कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जो अपने स्कूलों में तथा कुछ विद्यालय एक निश्चित दुकान पर अभिभावकों को भेजते हैं तथा दुकानदार 40 से 50% का कमीशन विद्यालय को ईमानदारी से पहुंचा देता है। इन किताबों के धंधे में कितनी बड़ी कमाई है उसका उदाहरण हरियाणा पंजाब में आधा दर्जन से लगभग स्कूलों में चलाई जाने वाली एक संस्था द्वारा पुस्तक विक्रेताओं से 1.5 करोड़ रुपए का चंदा वसूला गया। हालांकि ये पुस्तकें इस संस्थान द्वारा जोन स्तर पर निर्धारित की गई हैं तथा स्थानीय स्तर पर प्राचार्यों को फला पुस्तकें खरीदने के आदेश पहुंचा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन चुनिंदा तथा कथित महंगी संस्थाओं द्वारा मनचाहे मूल्य पर हर वर्ष बदले जाने वाली पुस्तकों को एक अधिसूचना के अंतर्गत सरकार रोक लगा सकती है। वहीं भारत सरकार द्वारा NCERT की पुस्तकें या फिर उस द्वारा निर्धारित सिलेबस की पुस्तकें इन विद्यालयों में लगाने के आदेश हैं, मगर ये विद्यालय इतनी पहुँच है और पैसे वाले हैं कि वे इन आदेशों को नहीं मानते। इन आदेशों को लागू करने में कम से कम 5 वर्षों तक न बदला जाए तो अभिभावकों के 70,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचाए जा सकते हैं, जो कि हर साल किताबें बदलने से ऐसे शिक्षा के माफियाओं तक पहुंच जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में इस समय 35 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 60% अधिक विद्यालय जिनमें ये बच्चे विद्यालय स्तर के हैं। अगर 5 साल तक ये पुस्तकें नहीं बदली जाती हैं तो पुस्तकों के लिए प्राप्त किया जाने वाला कागज जो हजारों पेड़ों को काट कर बनता है इसे भी बचाया जा सकता है। न जाने सरकार ऐसे क्यों आदेश जारी करती है कि धरातल पर जो सूचनाएं मिलती हैं वह हमारे देश की जर्जर व्यवस्था का उल्लेख करती रहती हैं। जहाँ पिछले कुछ समय से बड़े बड़े औद्योगिक घराने शिक्षा के मंदिर के स्थान पर 5-स्टार शिक्षा की दुकानें खोल कर आए हैं और उनकी पहुंच राज्यों तक नहीं बल्कि केंद्र तक भी है, वहीं अनेक बड़े बड़े राजनेताओं ने इस धंधे में शामिल हो रखे हैं। इन बड़े स्तर के लोगों ने अपनी पहुंच को ऊपर तक पहुँचा दिया है। वहीं शेष बचे कुछ स्कूलों से शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी जो जिला स्तर पर तैनात हैं वे विद्यालयों से मात्र कुछ हजार रुपए का नजराना लेकर के जिला के विद्यालयों को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की लूट अभिभावकों से करने की खुली छूट दे देते हैं। अगर सिरसा जिला को एक इकाई मानकर काम किया जाए तो 400 से अधिक प्राइवेट विद्यालय जिले में हैं।
और इनमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी से कम 2000 रुपये औसतन कमीशन किताबों के नाम पर लूटा जाता है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से सिरसा जिले में अकेले 40 करोड़ रुपए बनता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट सुरेंद्र भाटिया के साथ।